वुली कोट या फिर स्टैंडर्ड कोट, हर किसी की अलग अलग पसंद होती है इस बीड को लेकर। लेकिन इनके कुछ थोड़े बहुत फायदे भी होते हैं और थोड़े बहुत नुकसान भी। अगर इन सब के बारे में जानना है तो इस वीडियो में आप लोगों को इस बीड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप लोगों के लिए कौन सा कोट सही रहता है ये भी आप लोगों को शायद पता लग जाएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड बात करते हैं एक काफी ब्यूटीफुल एंड एक बहुत ही अच्छी फैमिली डॉग बीड के बारे में जिसका नाम है साइबर हस्की। तो गाइस आज जो साइबर हस्की पपीज के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, पपीज बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और दो अलग अलग कलर्स मिल जाएंगे जो है ब्लैक एंड व्हाइट एंड ग्रे एंड व्हाइट। तो गाइस इन पपीज का कोट तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि भाई जो वुली कोट के होते हैं उनके हेयर थोड़े बड़े होते हैं और जो स्टैंडर्ड कोट के होते हैं उनके थोड़े शॉर्ट होते हैं। तो वुली कोट को मेंटेन रखने में आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है और गर्मियों में भी आप लोगों को उनकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। लेकिन जबकि अगर आप लोग स्टैंडर्ड कोट को परचेज करोगे तो इनकी शेडिंग भी उनके कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है और मेंटेन भी आसानी से रख सकते हो और गर्मियों में भी आप लोगों को थोड़ा इजी होगा इन्हें कूलर पंखे के नीचे रखना। बट भाई वो कहते हैं ना, शौक के आगे पैसा नहीं देखा जाता, क्योंकि जब आप लोग इतनी महंगी डॉग ब्रीड परचेज करोगे तो आई एम श्योर आप लोग इन्हें कूलर एसी भी जरूर प्रोवाइड कराओगे। तो गाइस ये जो साइबर हस्की पपीज है ना, ये प्योर वुली कोट में भी नहीं है और स्टैंडर्ड कोट में भी। इनका जो कोट है वो है सेमी वुली कोट, जो कि ना तो ज्यादा बड़ा होता है और ना ही ज्यादा छोटा। तो हस्कीज काफी इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है जिन्हें आप लोग काफी आसानी से काफी सारी चीजों के लिए ट्रेन कर सकते हो और ये इतने ज्यादा बार्क नहीं करते, बल्कि उससे ज्यादा ये हाउलिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे बहुत सारे लोगों को इस ब्रीड को लेकर उनके मन में काफी गलत धारणाएं हैं। उनको लगता है कि वुल्फ की तरह दिखते हैं तो काफी खतरनाक होंगे और घर में कहीं किसी के ऊपर अटैक ना कर दे। अगर आप लोग भी ऐसा सोचते हो तो शायद आप लोगों को साइबर हस्की के बारे में जीरो नॉलेज है, क्योंकि साइबर हस्की एक बहुत ही फन लविंग डॉग ब्रीड है और अपनी फैमिलीज के साथ काफी मस्ती करते हैं। भले ही ये दिखने में वुल्फ की तरह हो, बट इनका टेम्परामेंट उनके जैसा दूर दूर तक नहीं है। इनका टेम्परामेंट काफी प्यारा होता है और इसी वजह से इन्हें काफी अच्छा फैमिली डॉग भी कहा जाता है। वैसे दोस्तों अगर इन पपीज के पेरेंट्स के बारे में बात करें तो उनकी फोटो वीडियोस मेरे पास अवेलेबल नहीं है। उन्हें देखने के लिए या तो आप लोग डायरेक्ट ओनर को विजिट कर सकते हो, क्योंकि पपीज होम ब्रीडिंग के हैं, तो जब आप लोग जाओगे तो मदर को तो लाइव देख ही सकते हो और फादर की फोटो वीडियोस ओनर आप लोगों को पर्सनली सेंड कर देंगे। तो भाई ये तो थे कुछ फैक्ट्स अबाउट साइबर हस्की। तो अब बात करते हैं इनकी बाकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में, आई मीन इनकी एज, प्राइस और लोकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इन पपीज की एज के बारे में बात करें तो पपीज 32 डेज के हो चुके हैं एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। एंड दोस्तों डिलीवरी आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन उस पर आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और वो कितना होता है ये डिपेंड करता है आप लोगों की लोकेशन के ऊपर। बट मैं तो आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि डिलीवरी को अवॉइड करके आप लोग डायरेक्ट जाओगे ना, तो एक तो आप लोगों के अच्छे खासे पैसे ही बचेंगे और डायरेक्ट जाकर बार्गेनिंग भी अच्छे से कर सकते हो और सभी पपीज को कंपेयर करके बेस्ट पपी चूज करके ला सकते हो। एनीवेज फाइनली इनके प्राइस के बारे में बात करें तो उन्हें जो पपीज के प्राइस की डिमांड की है वो मेल की 25,000 पीस 25,000 रुपए एंड फीमेल की 20,000 पीस यानी 20,000 रुपए। लेकिन दोस्तों प्राइस नेगोशिएबल है तो बार्गेनिंग करके प्राइस कम करा सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को भी लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।